मैं सजिया कौन आप देखे दोस्तों आकर मरा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों वीडियो जरूर मेरे साहब ने बताया पार्टी यूट्यूबर्स का सच सुन लो हमारा सच आ गया सुन लो दोस्तों वीडियो मजा आने वाली है हमारा सच आ रहा है खैर देखते दोस्तों वीडियो फिर बात नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मेजर साहब का वीडियो है, अमेरिकन चाइनीज मैन कन्विक्टेड फॉर स्पाइंग इन यूएस फॉर डिकेड्स। तो देखिए, जो ये स्पाइंग का काम होता है ना, ये कोई एक दिन दो दिन चार दिन का काम नहीं होता, ये कई सालों तक चलते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, तब जाकर स्पाइंग होती है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे चाइना ने क्या किया। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, 1990 के दशक में एक स्कॉलर चाइना से आता है अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और अमेरिकन्स के बीच में बड़ी लंबी लंबी बातें करता है और कहता है कि देखो यार, ये जो चाइना में चल रहा है सब बेकार है, बकवास है, चाइना को डेमोक्रेटिक चेंज की तरफ जाना चाहिए। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये जो चाइना में बड़े बड़े डिक्टेटर बैठे हुए हैं, ये भले लोग नहीं है यार, इन लोगों को हमें हटाना पड़ेगा, हमें चाइना में लोकतंत्र लाना पड़ेगा। दोस्तों, ये शख्स जाता है अमेरिका में, अमेरिका का सिटीजन बनता है, नागरिक बनता है, वहां की नागरिकता लेता है, पासपोर्ट लेता है और इंस्टीट्यूट्स बनाता है वहां पे कि किस तरीके से चीन में डेमोक्रेसी लाई जाए, किस तरीके से चीन के अंदर फेर बदल हो, चीन के अंदर तख्ता पलट हो, चीन के अंदर लोकतंत्र की आवाज गूंजे। ये शुजुन होंग की कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये 75 साल के बंदे को अमेरिकन ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। पता लगा भाई साहब क्या कर रहे थे पिछले 30-35 साल से, आपको पता है 30 साल से ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। कहने की तो बात यह है कि सबके सामने इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, इन्होंने बोला कि नहीं चाइना के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, बड़े लंबे चौड़े आर्टिकल लिखे, टेलीविजन पे गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा और सब लोग ये कहते थे कि साहब यही है बंदा, यही है बंदा जो चाइना के अंदर लोकतंत्र लेकर आएगा, यही इंसान है जो शी जिनपिंग को फड़का देगा, इसको गिरा देगा, वो कर देगा। असल में ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी का एक जासूस था। दोस्तों, ये पिछले 30 सालों से अमेरिका के अंदर एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दोहरी जिंदगी कैसे? इस प्रकार से कि चाइना की सरकार को, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को मुंह से तो गाली दे रहा था, लेकिन था उन्हीं का आदमी। अब होता क्या है दोस्तों, अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। माना कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर है, माना, मैं ये नहीं कह रहा है नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा माना, मैं मान रहा हूं तो आप भी मान लीजिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो रोज पाकिस्तान को गाली देते हैं, रोज पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, बड़े। तो इंडियंस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ, क्योंकि देखो पाकिस्तानी अगर कोई इंडियन गाली दे पाकिस्तान को तो वो तो नॉर्मल सी बात है, या फिर कोई पाकिस्तानी इंडियंस को गाली दे वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को गाली दे और रोज गाली दे, तो भैया वो तो स्टार बन जाएगा। अब वो बन गया स्टार, अब बाकी सारे जो इंडियंस हैं, और ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कहीं आप सोचें कि मेजर साहब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेजर कहां इशारा करेगा, ये तो काल्पनिक चीजें हैं। अब वो लोग मिलके रोज दे पाकिस्तान दे धनाधन, दे पाकिस्तान दे धनाधन, फौजी शासन है, जनरल हमारे बर्बाद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस बर्बाद हैं, इंडिया को देखो, इंडिया में ये मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आती है, हमारे यहां 15 लाख, मतलब प्याज कितने का आता है, टमाटर कितने का आता है, लहसुन कितने का आता है, ये कार, ओहो आपको पता है भारत में कार 5 लाख की आती है, हमारे यहां 35 लाख की आती है। अच्छा, सारे इंडियंस खुश, समझ गए गेम क्या चल रहा है। वही चीज करी चीनी ने। तो दोस्तों, ये जो तथाकथित यूट्यूबर हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, जो कि फिक्शनल हैं, ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं है, तो ये तो अभी पैदा हुए हैं। ये शुजुन वांग 30 साल से चूना लगा रहा है,
इसने पूरा सेटअप करा, वे करता क्या था बड़ी खूब, अब मैं आपको बताता हूं। तो भैया कल्पना को उड़ान मत दीजिए, कल्पना नहीं हकीकत है, कल्पना नहीं हकीकत है, और यह मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं, काउंटर कर रहा हूं, इसीलिए काउंटर कर रहा हूं कि झांसे में मत आना। सच्चाई कुछ और है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, गोल एक ही है, तो उस गोल को समझना है। अब कई मेरे से लोग सवाल करते हैं, आप क्यों करते हैं, आपने बढ़ाया, आपने किया, आपने किया। जब तक तीर आपकी तरफ आएगा नहीं, आप उसका काउंटर कैसे करेंगे? हवा में तो हाथ नहीं घुमाएंगे ना, हवा में तो अपनी तरफ वाला काउंटर तीर तो नहीं मारेंगे ना, काउंटर मिसाइल तो नहीं मारेंगे। जब सामने से मिसाइल आएगी तभी इधर से काउंटर मिसाइल इंटरसेप्टर भेजी जाएगी। अब अगर इधर से काउंटर इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं भेजी गई तो मिसाइल क्या करेगी जी? आपके इलाके में घुस जाएगी, पेनिट्रेट करेगी, विस्फोट करा देगी, यही है ना। तो अगर हमने उधर से चलने वाली मिसाइलों को काउंटर नहीं किया, इधर से इंटरसेप्टर मिसाइलें जो फैक्ट्स होते हैं वो नहीं डाले, तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि उधर से वो जो मिसाइल आ रही है उसमें तो प्रोपेगेंडा झूठ के झूठ का पुलिंदा भरा गया है जो आपके दिमागों को पेनिट्रेट कर रहा है। अगर 1 लाख लोगों ने देखा और उनमें से 1% को भी अगर उस मिसाइल की वजह से उसके दिमाग में घुसपैठ हो गई और वो बदल गया, उसने सच मान लिया, तो क्या होगा? तो इसीलिए हमारे जैसे लोग यहां बैठे हैं जो उस मिसाइल को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, काउंटर मिसाइल भेजते हैं कि देखो फैक्ट ये है बबुआ या बबुनी, फैक्ट ये है, आप जो घुसाने की कोशिश कर रहे हो इधर उसका जवाब ये है, सच्चाई ये है। तो अगर मैंने उनमें से 1% में से अगर मान लो 0.5% तक भी सच्चाई पहुंचा दी और उनका दिमाग खोल दिया कि यार जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, ये है मामला, तो 0.5% तो बच गए ना हमारे लोग। ये काम करता हूं मैं क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूं, फैक्ट दिखाता हूं, उनको काउंटर करता हूं फैक्ट से, वरना सोचिए 4 साल में क्या हालत हुई होती। लेकिन 2-4-10 आप में से लोग हैं जो जिनको ये बात समझ में नहीं आती है। कभी कभी यकीन कीजिए, जो सामने दिखता है वो होता नहीं है और जो हो रहा होता है वो आपको कभी नजर नहीं आता। इसलिए अपने बंदों पर भरोसा करना सीखिए, वरना बहुत कुछ हो गया होता अब तक। बांग्लादेश वाली हालत, यहां भी यूथ कर चुके होते अगर हमारे जैसे लोग काउंटर करने नहीं बैठे होते। मैं उनमें अकेला नहीं हूं, उनमें मेजर साहब भी हैं, उनमें और भी सैकड़ों हजारों लोग हैं जो फैक्ट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो प्रोपेगेंडा को तोड़ते हैं, जो काउंटर करते हैं, तब जाकर यहां पर लोग सक्सीड नहीं हुए हैं, आप समझो। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर ब्रदर। एक फाउंडेशन इसने 2006 में खोला, को फाउंडेड था हु याओबांग एंड शाओ शियांग मेमोरियल फाउंडेशन, फ्लशिंग नेबरहुड ऑफ क्वींस, न्यूयॉर्क, वहां पे इसने खोला। और इसने ये लोग कौन थे, ये हु याओबांग और शाओ शियांग मेमोरियल, ये वो लोग थे जो 1989 में ताइनमेन स्क्वायर में अपराइजिंग हुई थी, याद है वो फेमस के टैंक आ रहा है ताइनमेन स्क्वायर में और वहां पे एक बंदा थैला लेके खड़ा हुआ है टैंक के सामने, शॉपिंग बैग ले बिल्कुल टैंक के सामने खड़ा है, वही सेम। तो उसमें जो दो बंदों ने जान कई लोगों की गई उसमें से, लेकिन जो दो लीडर थे उनके नाम पे इसने फाउंडेशन को, अब फाउंडेशन कोई भी चाइनीज पढ़ेगा उसको सीधी बात ये पता लग जाएगी कि हाँ ये जो है ये प्रो डेमोक्रेसी का बंदा है भाई, उसने खोली, उसने फाउंडेशन खोला है, तो आपको पता लग गया, आपको ऐसा समझ में आया कि प्रो डेमोक्रेसी, लेकिन वो प्रो डेमोक्रेसी नहीं था, वो था कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कट्टर जासूस। अच्छा, अब अमेरिकन उसके अट्रैक्ट हो गए क्योंकि अमेरिकन को लगा कि ये हमारा प्यादा है, अमेरिकन उसको फंड कर रहे हैं, उसको स्पेस दे रहे हैं, उसको टीवी पे ला रहे हैं अमेरिकन, राइट,
और जो चाइनीज थे जो चाइना की सरकार से, वो चाइनीज जो चाइना से प्यार करते हैं लेकिन चाइनीज सरकार से नफरत करते हैं, वो चाइनीज इसके इर्द गिर्द घूमने लगे और ये बताने लगे कि अच्छा हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं चाइना में ये गड़बड़ हो रही है। तो ये पूछता था किसने बताया आपको कि चाइना में गड़बड़ हो रही है, प्रूफ तो मुझे चाहिए। कह रहा नहीं, जो मेरे बड़े भाई का लड़का है ना, मेरे बड़े भाई का लड़का, वो चाइना में है, वो चाइना में शंघाई में है, उसने बताया, उसने वीडियो मुझे भेजा, ये सारी चीजें वो बताता। तो इसको पता लग गया कि वहां पे गद्दार है चाइना के अंदर, ये फिर उन लोगों को मरवाता था यहां पे बैठे बैठे। तो दोस्तों ये गेम खेलता था ये बंदा जो है, ये गेम खेलता था। एंड में जाके पकड़ा गया, पर अभी 75 साल का हो गया है, इसको पकड़ के कर दिया जेल के अंदर, कोर्ट ने इसको सेंटेंस कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप सोचो कितने डीप जाते हैं चाइनीज। मैंने बोला छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं, और अगर आपको थोड़ा सा समझ में आपके हेर फेर हो रही हो कि इस कहानी में दम है कि नहीं, तो फिर मैंने वो जो काल्पनिक कहानी है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की, वो भी मैंने आपको सुना दी। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कहानी प्योरली काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि रोज अगर कोई बोले कि यार इंडिया में लोग बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन पाकिस्तान में तो हम ऐसे ही हैं, और नीचे कमेंट्स में सारे के सारे इंडियंस बोलते हैं कि इंडियंस, इंडिया जिंदाबाद, और क्या मज़ा आ गया, और अब भाई आप ही सच बोलते हो, पूरे पाकिस्तान में सब झूठे हैं, सिर्फ आप ही भाई आप ही सच्चे हो, आप ही सच्चे हो। और वो बन गया आपका भाई, वो घुस गया आपके घर में, ठीक है। वो तो मैंने बोला एक दो लोगों को टीवी में, मैंने बोला ये सब काम मत करा करो तुम लोग, ज़रा मोबाइल फ़ोन दे के दुकानें दिखाओ कि तुम्हारे शोरूम कैसे होते हैं, तुम्हारे शॉपिंग मॉल कैसे होते हैं। शोरूम शॉपिंग मॉल तो तुमने दिखा दिए उसको, किसी दिन ये बोल देगा कि तुम्हारा जो घर है कहाँ पे रहते हो तुम, क्या साहब मैं लखनऊ में रहता हूँ, उदाहरण के लिए आपने बोला कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, अरे यार हमारी कैंटोनमेंट पता नहीं कैसी होती है, हमारी वाली तो ऐसी गंदी सी होती है, आप ज़रा अपनी कैंटोनमेंट दिखाओ यार, ज़रा बाइक लेकर जाना कैंट में जहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है, ज़रा चुपचाप से ऐसे फ़ोन लेकर जाना यार, हमें भी देखना कि हमें बड़ा शौक है। आपने बोला ये तो प्रो इंडिया आदमी है, ये आदमी जो है ही इज़ प्रो इंडिया, इसके लिए ये इंडिया के लिए इसका दिल धड़कता है, ये प्रो इंडिया आदमी है। आप गए और आपने वहाँ पे भेज दिया। हर समय ध्यान रखना दोस्तों, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट, ये जो स्टोरी है ये मीडिया ने नहीं उठाई, ये हमारी टीम खोद के लाई है, क्योंकि मीडिया ने इसको इग्नोर कर दिया स्टोरी को। ये वो कहानी है उस बुढ़े की जिसने इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाया जिस मानसिकता का कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी मानसिकता का। चाइनीज था, इसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को गाली दी, खूब गालियां दी, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, इनको मार देना चाहिए, और चाइना में लोकतंत्र आना चाहिए जैसे अमेरिका का लोकतंत्र है, चीन अमेरिका से सीखे, राइट। आपके यहां तो बोलने की इतनी आजादी है, आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हो, अपने राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी बोल सकते हो, हमारे यहां तो अगर कुछ हल्का सा भी बोलो तो बगल वालों को भी उठा के ले जाते हैं, हमें भी उठा के ले जाते हैं, चाइना कोई देश है बेकार है एक्स वाई जेड। इसने खूब भौकाल बनाया, सब लोग खुश हो गए, यार बंदा हो तो ऐसा हो, बंदा ये बिंदास है। उसने फाउंडेशन खोला अपना, चाबी लगाई, और भैया ऐसी चाबी लगाई कि जितने भी वहां पे चाइनीज डिसिडेंट थे अमेरिका में, इसने लगभग सभी को फंसा दिया। और कैसे फंसाया, ये लोग तो वापस चाइना जाएंगे अगर घूमने के लिए, बाय द वे तो वहां पे उठा लिए जाते हैं, अगर कोई चाइना घूमने के लिए गया है उनके ऊपर सर्वेलेंस होता, वरना इनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप पाकिस्तानी कंटेंट को लाइक करें ना, ये सोचें कि बहुत ज़्यादा भारतीय प्रेम किसी स्रोत से उमड़ रहा है, तो एक बार ठहर के, मैं ये नहीं कह रहा कोई आदमी गलत ही काम कर रहा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, सब एक जैसे तो कहीं भी नहीं होते, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के आगे से काम करना, क्योंकि ये बात है कि आपको रोज मीठा 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 करके एक दिन गुड़ के अंदर कड़वी गोली डाल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप निकल जाओगे, क्योंकि तब तक वो भरोसे का लेवल अचीव कर चुका होगा। यही कहानी है इस आदमी की। भैया समझ लिया आपने? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, आप जरा एक एक बारी को आप ये यकीन करिए कि मैं भारत का हूं, रहने वाला हूं, मैं भारत में रहता हूं, और मैं आज से भारत की बुराइयां चालू कर दूं, भारत की फौज की बुराइयां करूं, भारत के जनरलों की बुराइयां करूं, और मैंने वो बातें करूं, भारत के नेताओं की बुराइयां करूं, मतलब इतनी बुराइयां करूं कि पाकिस्तानी मुझे प्यार करने लगे, पाकिस्तानी कहेगा यही सच्चा देशभक्त है, द रियल देशभक्त, देखो कैसे बुराइयां कर रहा है अपनी फौज की।
आप सोचिए कि क्या मेरे यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्या मेरे यहाँ की फौज मुझे सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी। क्या मुझे यहाँ पर रहने दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा। तो फिर पाकिस्तान में रहकर, वो भी तब जब पाकिस्तानी फौजी की ताकत वहां कितनी है, पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल में ले रखा है। भाई फौज ने भारत को तो कंट्रोल में नहीं रखा है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान का कंट्रोल तो फौज के हाथ में। वहां पर रहकर पाकिस्तानी फौज की बुराई करना, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना, भारत की वाहवाही करना, भारत की तारीफें करना, भारत की तारीफों के कशीदे गढ़ना, और उसके बाद उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, कैसे, हाउ, क्या ये पॉसिबल है? और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल ना मिला। पानी में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर करता है? पाकिस्तान पानी है और वहां की फौज वहां के उस पानी में मौजूद मगरमच्छ है, और कोई पाकिस्तानी उस मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकता। जब उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तक बैर नहीं कर पाए, कईयों को मरवा दिया गया, पिछले वाले जो थे जेल में हैं एक साल से, अब उनको अकल आई है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, माफी मांगने को तैयार हैं। किससे माफी मांग रहे हैं? फौज से ही मांग रहे हैं ना। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 9 मई को जो जो लोग मेरी पार्टी के लोग या मेरे कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, उनकी पहचान बताऊंगा, ढूंढ ढूंढ कर लाकर आपको आपके हवाले कर दूंगा, उन पर आप जो मन करे करिए, केस चलाइए करिए। वहां पर कोई पत्रकार कहता है अपने आप को, कोई यूट्यूबर कहता है अपने आप को, चाहे कुछ भी कहता है, वो भारत की तारीफें करता रहे, शक्कर की चाशनी में डुबोकर बातें करता रहे, तो आप समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है। इसीलिए मेजर साहब का काउंटर जरूरी है, इसीलिए आलोक रंजन का काउंटर जरूरी है, इसीलिए मेरे जैसे मेजर साहब जैसे हजारों लोगों का काउंटर जरूरी है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी को पहचानिए और काम चालू करिए। कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं आप। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। आप बताओ भाई साहब, मतलब कि ना मैं अगर इधर हलक भी उठा लूं, हम जान कुर्बान भी कर दें, मतलब कि सच बोलते बोलते हम ये अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बात करते मेरे भाई, ये एक बात याद रखना, हम वो बात करते हैं जो गलत है, चाहे वो आपके मुल्क में, चाहे वो हमारे मुल्क में, चाहे दुनिया वो कहीं पर भी है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं। आलोक सर ने बात मुद्दा उठाया है कि मगरमच्छ से बैर, दरिया में रह के, पानी में रह कर, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर। बात इस तरह है सर के, पहली बात मैंने एनालिटिक्स चेक किए मेरे चैनल के, मेरे ख्याल में 98% या 99% जो व्यूवर है वो सारे इंडियन हैं। हमारी वीडियो पाकिस्तान में तो सर्च ही नहीं होती, सर्च मतलब किसी के सामने आती ही नहीं है, जितनी मर्जी आप यूट्यूब खंगाल लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मतलब आलोक सर के जेहन में डाउट है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया की तारीफ करते हैं, मेरे साहब के जेहन में भी यही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी उस सिपाही की, जो चाइना का सिपाही था, वो उसने एनजीओ चलाई, एनजीओ के अंदर उसने खूब इंडिया अमेरिका की तारीफ की, तो चाइना को गलत कहा, लेकिन गलत दी उसने, तो बात बहुत डिफरेंस हमने और उनमें। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि वो अमेरिका के अंदर मौजूद था, पहली बात। दूसरा ये है कि वो एक उसका बैकग्राउंड होगा, कोई कहीं ना कहीं उसका लिंक्स होंगे, टीम वर्क होगा उसका, लिंक्स होंगे पीछे आर्मी के साथ या किसी एजेंसी के साथ। तो हमारे तो भी ऐसा लिंक्स भी नहीं है, मैं तो डरता भी रहता हूँ, कहीं मतबा बातें बोल भी जाता हूँ, फिर डरता भी हूँ कि यार जिस दिन हमारी वीडियो हमारे जर्नल किसके पास चले गई, ब्रिगेडियर किसी आर्मी के बंदे के पास चले गए, तो हमारी खैर नहीं है, डरता भी। आपको पता नहीं कितने लोग मारे जा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान की बुराई करता हूँ और इंडिया की, मैं भाई आज मैंने भाई रुख सर मैं वाकई आज बहुत खुश हूँ,
मुझे आज बिल्कुल कन्फर्म हो गया, जो मेरे दिमाग में बात चलती थी बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि वो इंडियंस हमारे बारे में जो सोचते हैं ना, मेरी ये सोच बिल्कुल ठीक थी। क्या सोच? वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं पैसे कमाने के लिए, हम बैठे हैं यहाँ पर ड्रामेबाजी करने के लिए, हम यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं की आवाम को धोखा देने के लिए। मैं ये बात सोचता था, मैंने अक्सर आपसे की, आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन डिस्कशन की और हमारी इस गुफ्तगू की उन्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे पर। नहीं, मैं मेरी बात जिस तरह लोग कह रहे हैं कि मैं पिछले 4 साल से काउंटर कर रहा हूँ, जो उधर से तीर आता है उसको रोकता हूँ। भाई मैंने भी शायद आप जो मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं देखते हैं, मैं जो चांद के लोग 1000 लोग जो भी लोग देखते हैं उनको मेरा दिल आज बहुत खुश है। लेकिन वो मानते हैं जितना क्रिटिसाइज मैंने लोग से किया, जहाँ मुझे लगता है उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए वहाँ मैं क्रिटिसिज्म भी किया और खुलकर किया और सवाल भी छोड़े हैं और उनके जवाब भी मांगे, बल्कि लोग सर ने मेरी वीडियो पर भी 1-2 वीडियो बनाई मेरे सवालों पर। तो बात ये नहीं है कि मैंने सिर्फ हरिकत हमने इंडिया तकलीफ करनी है। जिस तरह लोग सर बैठ रहे हैं काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से कोई तीर आता, तो मैं भी मेरी भी यही ख्वाहिश ख्वाहिश होती है कि इंडिया की तरफ कोई गलत बात, चाहे वो लोग सर है या मेजर साहब है, वो आती है तो मैं उसको भरपूर उसका काउंटर करूँ और करता भी हूँ। फिर मैंने देखा हमारे कई सवालों के जवाब इंडियन के पास नहीं होते, जिसके मिसालें इसराइल या फिलिस्तीन की वार थी, पहला मुसलमान इस्लाम पर, क्योंकि अलोक शाह का मौक़ ये है कि ये जो पाकिस्तानी आज पीछे है इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानियों का माइंड सेट और इस्लाम को फॉलो करना है। इस पर फिर मैंने अलोक शाह को चैलेंज किया था और मेरे किसी चैलेंज का कोई जवाब आज तक नहीं आया। जहाँ वो गलत होते हैं मैं उनको चैलेंज भी करता हूँ, काउंटर भी करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी ना करने की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? इस्लाम के किसी अंसर को भी ना मानना, सबसे पहला कि झूठ बोलना या छोड़ दें, सबसे पहला ये झूठ बोलना छोड़ दें और मेहनत करें, इलम हासिल करें, ये एक फैक्टर बहुत है। और इंसाफ, ये दो फैक्टर ही पकड़ लेना तो ये तरक्की कर लेंगे, बाकी इस्लाम का मुद्दा तो बाद में रहा मेरे पे। ये जो दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक इंसाफ सच बोलना और इलम हासिल करते हुए उस पर मेहनत करना। नहीं, अलोक सर की बातों का मैंने काउंटर किया है और मुझे तसल्ली हो जाती है, तसल्ली इसलिए हो जाती है, सुकून हो जाता है कि वो भी अगर गलत बात करते हैं तो मैं भी इधर से करूँ, उनको काउंटर करूँ, उनको सवाल छोड़ूँ, उनके लिए उनसे जवाब मांगूँ। अच्छा मेजर साहब, इसलिए तो मैं अक्सर अलोक सर की वीडियो पर रिएक्शन करता हूँ। हालांकि वो तो चाइनी अमेरिका में है ना मेरे भाई, उसका और इन बातों का कोई लिंक नहीं है। वो मेरे भाई मुल्क में से पूरे प्लान के साथ दूसरे मुल्क में जाता है, वहाँ जाकर अमेरिका में जाकर वो बुराई करता है, उस पर शक बनता भी है मेरे भाई। फिर वो वहाँ की सिटीजन लेता है, पैसा लेता है, फिर वो जमात बनाता है वहाँ पर, समझ में आई, एनजीओ बनाता है, फिर वो लिंक्स जोड़ता है, फिर वो खबरें देता है। भाई ये लोग से हमें नाम बर्बाद ना है, अल्लाह का शुक्र अभी तक हम बचे हुए हैं। जिस दिन मैं डर रहा हूँ, जिस दिन इनको पता चल गया हमारी खैर नहीं है, और मैं हलफल कहता हूँ, हलफ बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरा नाम किसी के साथ लिंक है और ना ही मैं इस वजह से हमारी आर्मी या हमारी मुल्क के खिलाफ बहुत करता हूँ, मुझे इंडिया से वाह वाह मिलेगी, नहीं। मैं जो आप मेरी शुरू की वीडियो जाकर चेक करें, शुरू जो मैं जब जीएम थंडी पर बैठा था तो मैंने लोग सर की हर बात के काउंटर गलत किया था, तो फिर देखते इतनी वीडियोस भी रिएक्शन किया, इतनी वीडियो देखी मेजर साहब की, लोग सर की, कि फिर मेरा मौक़िफ चेंज हुआ है। मेरा पहले का मौक़िफ चेक करें, और आज भी लोग सर गलत करते तो मैं बोलता हूँ, मैं काउंटर करता हूँ, मेजर साहब को भी करता हूँ। तो बात यह नहीं है कि हम किसी के बिठाए बैठे, बल्कि मैं शुक्र करूँ अल्लाह का शुक्र अभी तक किसी आर्मी का बंदे हथे नहीं चले जाऊँ। यहाँ पर एक और बात बताते चले भाई, क्या मैं अपनी बात करूँ, मैं कोई नॉर्मल आम सा बंदा नहीं हूँ, मैं एज ए किसान ही हूँ छोटा सा, लेकिन एक करोड़पति आदमी हूँ, समझ में आई? मेरी पर्सनली जो चीज़ें हैं ना वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं है, जो मेरे एहसास हैं। और हम यहाँ पर बैठते हैं अपने शौक से मैं तो बैठता हूँ भाई, इस भाई का मुझे नहीं पता इनको शौक है या कुछ और है। मुझे ये बताएं, मैं अभी स्टडी मेरा जरिए बात है, एम फिल का टेस्ट मेरा आ रहा है,
वो उसमें भी बिजी होता हूँ। आपने देखा होगा कभी हम वीडियो बनाते हैं कभी नहीं बनाते, ना बनाए थे टेंशन नहीं। और जब हमें कहा जाता है कि ना आप दो कौड़ी के हैं, उस पाकिस्तानियों को जब कहा जाता है तो उसमें हम भी शामिल होते हैं। ये दो कौड़ी का बंदा फैसलाबाद के सेंटर शहर में, बिल्कुल सेंटर के साथ शहर का हिस्सा है मेरे भाई, उसमें करोड़ों की जायदाद रखता है ये दो कौड़ी का बंदा जो आप, इसमें कोई शक नहीं है, है भी प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा है। और वो क्या कहते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को भी उसकी जारी शक्ल सूरत से कभी भी नहीं जानना चाहिए, ज़हन में रखना। बात क्या, तो पढ़ा लिखा बंदा मुझे वैसे भी सादगी पसंद है इसलिए मैं सादा हूं। तो इसमें कोई शक नहीं है, असल भाई के पास बड़ी प्रॉपर्टी है, वो एक अलग बात है कि ये रहते डाउन टू अर्थ है या इनके पास अभी वो पूरी तरह इंतकाल नहीं हुई। तो खैर ओवरऑल बात कंक्लूड करें, ये जो लोग हमें कह रहे हैं ना, या लोग सब कह रहे हैं कि मैं अपना हल्फ देता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरे नाक्सी के साथ कुछ लिंक्स हैं और मेरे शुरू की वीडियो देखे मैंने लोग सर को भी बड़ा बुरा भला बोला हुआ है। मेरे सर को तब गुस्सा आता था, पता नहीं था चीज़ों का, अब आस्ता आस्ता चीज़ों को पता चला। आज भी आता है गलत बात पर, आज भी गलत बात में काउंटर करता हूँ, तो मकसद काउंटर करना, जहाँ वो गलत होते जिस तरह वो हमें करते हैं हम भी फिर करते हैं। तो खैर मिलते हैं वीडियो में नाडा के साथ। God bless you.